हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इन दैट केस कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम्पल 9। है वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद इनिशियल वैल्यू 2 एंड 2। नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन दैट एक्सप्रेशन, इन दैट केस असाइनमेंट एक्सप्रेशन इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज 2 एंड 2 एंड वन मोर एक्स्ट्रा वेरिएबल जेड इज देयर। One more variable is z. In that expression, z equals to y plus x divided equals to x divided by y. इस एक्सप्रेशन में टोटल फोर ऑपरेटर्स यूज हुए, असाइनमेंट प्लस ऑपरेटर कंपाउंड असाइनमेंट एंड डिवीजन। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टेकन बाय डिवीजन, नेक्स्ट वन प्लस थर्ड वन असाइनमेंट। असाइनमेंट के इसमें दोनों का प्रायोरिटी सेम हुआ, इसलिए थर्ड केस में असाइनमेंट का भी प्रायोरिटी क्या है, थर्ड लेवल। लेकिन असाइनमेंट के केस में राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें तो सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, कंपाउंड असाइनमेंट, आफ्टर दैट असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका डिवीजन का। डिवीजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑपरेंड एक्स फाउंड हो रहा है एंड सेकेंड ऑपरेंड इज वाई। एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 डिवाइडेड बाई वाई, मीन्स ऑल्सो 2, 2 डिवाइड बाई 2 रिजल्ट इज 1। देयरफॉर रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 1। नेक्स्ट वन हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय प्लस, तो प्लस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑपरेंड क्या है y, सेकंड ऑपरेंड इज x। इन दैट केस वैल्यू ऑफ x इज 2, y इज 2, 2 प्लस 2 इज रिजल्ट इज ऑल्सो 4। रिजल्ट क्या आएगा इस केस में, 4। नेक्स्ट टाइम राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंपाउंड असाइनमेंट को चांस मिलेगा। इन दैट केस 4 इक्वल्स टू 1, क्लियरली वी आर सीन हियर लेफ्ट ऑपरेंड इज वैल्यू नॉट अ वेरिएबल, देयरफॉर एल वैल्यू रिक्वायर्ड कंपाइल टाइम एरर, और वी आर एक्सप्लोरिंग दैट एक्सप्रेशन, इट इज इक्वेलेंट टू 4 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1। लेकिन इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा असाइन किस में हो रहा है, वेरिएबल्स वैल्यूज में, और वैल्यू में असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट एग्जांपल इज कंपाइल टाइम एरर डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से आउटपुट कंपाइल टाइम एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इन दैट केस एग्जाम्पल टेन के केस में टोटल 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं, वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड विद इनिशियल वैल्यू 10 10 10। All variables are initialized by 10. Therefore, initial value of x, y, z is 10 here. In that case, solving first expression, assignment expression b plus equals to a. It is equivalent to b equals to b plus a, and value of b and a is 10 plus 10. 10 plus 10 is equivalent to 20. Now, 20 is replaced here. 20 is assigned to the variable b. Here variables are a, b, c and also a, b, c is there. We are writing some typing mistake. Next one, finally, is a expression solution ke baad b mein kaisa na value is 20, now b is initialized by 20. Next one, second expression, c minus equals to a. It is equivalent to c equals to c minus a. Value of c is 10. Therefore, we are replacing 10 in place of c. Next, value of a is also 10. Therefore, we are replacing 10 in place of a. 10 minus 10 is 0. 0 is assigned to the variable c. Now, value of c becomes 0. Next one. After solving that expression, then what is the printed value of a, b, c? Output. फर्स्ट केस में प्रिंट एफ सी क्या डिस्प्ले, वो एबीसी का वैल्यू 10 20 एंड 0 10 20 एंड 0। नेक्स्ट वन अनदर एक्सप्रेशन, अगेन वी आर री इनिशलाइजिंग एबीसी विद डिफरेंट वैल्यू, लाइक वैल्यू ऑफ ए इज अगेन 10 20 और 30 फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन पर्पस। हेयर वी आर यूजिंग टू कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मल्टीप्लाई इक्वल एंड प्लस इक्वल। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड रूल वी आर सॉल्विंग प्लस इक्वल। व्हाट इज द ऑपरेंड पार्ट फॉर प्लस इक्वल, फर्स्ट ऑपरेंड इज बी, सेकंड ऑपरेंड इज ए।
it is equivalent to b equals to b plus a, and value of b and a is value of b. B के place पर replace करेंगे, current value of b is 20. A के place पर replace करेंगे, current value of a is 10. Result of that arithmetic expression is 30 assigned to the variable b. Now b becomes finally 30. Next one, after solving plus equal, next we are solving multiply equal. What is the first operand for multiply equal? C. What is the second operand for multiply equal? B. It is equivalent to C equals to C multiply by B. Value of C is 30. Therefore, we are replacing 30 here. Value of B. B is also 30. We are replacing 30 here. 30 multiplied by 30 is equivalent to 900 assigned to the variable C. Now value of C becomes 900. After that we are again displaying value of ABC. Value of A is 10, value of B is 30, value of C is 900. Therefore final output of that program is that one.